नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं भगवान कौन है, क्या भगवान है, और भगवान है तो कौन है। तो भगवान तो हम और आप सब हैं। भगवान का अर्थ होता है भगवान, पांच शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भगवान के यह पांच शब्द जो हैं पांच तत्वों के प्रतीक हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अनिल और ना से नीर। इन पांच तत्वों से निर्मित प्राणी को भगवान कहा जाता है, क्योंकि इन प्राणी के अंदर ही जो बीज होता है आत्मा के रूप में, वह ईश्वर का ही रूप होता है। लेकिन राम और कृष्ण को भगवान कहा गया और प्रत्येक प्राणी को भगवान नहीं कहा गया, वह इसलिए क्योंकि ईश्वर जो है दो रूपों में संसार का संचालन करता है। जब मनुष्य कोई ऐसा कार्य कर देता है इस संसार में, इन पांच तत्वों से निर्मित प्राणी के, जिसे देख कर के संसार में जब लोग यह कहने लगें कि यह कार्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए किसी व्यक्ति या किसी भी जीव के द्वारा संभव नहीं है, तो उस प्राणी को ईश्वर के रूप में, ईश्वर का प्रतिनिधित्व के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए साकार रूप की समानता, उसका रूप में मान्यता दे दी जाती है और उसे ईश्वर का प्रकट रूप मान लिया जाता है। जैसे भगवान राम, जब भगवान राम का रावण से युद्ध आरंभ हो गया तो पूरी दुनिया देख रही थी। एक तरफ लंका जैसा महाबलशाली साम्राज्य जिसके में तीनों लोकों के अंदर ऐसी कोई भी साम्राज्य नहीं था जो कि सीधा सामने से लंका को ललकार सके, उस समय पर दो योद्धा राम और लक्ष्मण के रूप में मात्र शस्त्र धारण ही तो किया हुआ था, लेकिन योद्धा दो थे और उन्होंने लंकाधिपति जैसे रावण को हरा दिया और उसका अंत कर दिया। तो सारा संसार अचंभित हो गया और संसार ने कहा कि इतनी बड़ी और इतने बलशाली रावण को मारना इस संसार के जीवों के वश की नहीं है, यह उस परम शक्ति, उस परम ईश्वर ने ही प्रकट होकर के हम मनुष्यों के कष्टों को हरने के लिए, धर्म का राज करने के लिए, धर्म की स्थापना पुनः करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं और हमने उन्हें भगवान कह दिया। तो भगवान वह व्यक्ति है, वह उपाधि है जो अपने कर्मों के द्वारा से उसके समकक्ष, ईश्वर के समकक्ष उपाधि प्राप्त कर सकता है। यह प्रत्येक मनुष्य के पास इतनी शक्ति होती है क्योंकि हर एक मनुष्य ईश्वर का ही प्रतिरूप है। इसलिए यह पांच तत्वों से निर्मित प्राणी को ही भगवान कहा जाता है और इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित प्राणी अपने कर्मों के द्वारा से भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य के पास यह दर्जा प्राप्त करने की ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है, वह अंकुरण हम अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाते और इसलिए हम पुनः प्रयास में इस संसार के आवागमन के चक्र में पड़ जाते हैं। तो भगवान जो है का अर्थ होता है कि इस संसार में ईश्वर ने साकार रूप में प्रकट हुआ। ईश्वर
पूर्ण रूप से संसार में कभी प्रकट नहीं होता, और क्योंकि ब्रह्मांड ही पूरा का पूरा ईश्वर है, लेकिन वह कुछ गुण और कर्मों के अनुसार मनुष्य को ऐसी शक्तियाँ देता है जो कि अपने कर्मों के अनुसार वह उसके समकक्ष एक उपाधि प्राप्त कर लेता है। जैसे ईसाइयों में ईसा मसीह आए, वह भी भगवान का रूप ही बने, उनके भी अपने स्वयं के कर्म थे। मोहम्मद साहब भी भगवान का ही रूप हैं, हमारे रामकृष्ण भी भगवान का ही रूप हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी भगवान ही कहे जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि भी भगवान हैं, हमारे ऋषि अगस्त मुनि को भी भगवान कहा जाता है। तो भगवान जो है मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों के बल पर भगवान की उपाधि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो भी भगवान इस धरती पर है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार ही, उसके कर्म ऐसे थे कि जिसने संसार में उसके जाने के बाद संसार ने उस बताए हुए मार्ग को अपनाया और अपना जीवन को सुखी करने का जो मार्ग वह देकर गए, तो यह उपाधि कर्मों के द्वारा से आप भगवान के उपाधि प्राप्त की जा सकती है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।